पढ़ रहे थे व्यंजन भी हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे मात्रा ज्ञान, यानी मात्राओं का ज्ञान, जो स्वर जो होते हैं हमारे उनकी मात्राओं को आप व्यंजन में किस प्रकार लगाते हैं, ठीक है। तो यह है मात्रा ज्ञान। तो यह परिभाषा लिख लीजिए, जब किसी व्यंजन में कोई स्वर मिलाया जाता है तो उसका हर चिन्ह लुप्त हो जाता है, अर्थात हट जाता है। कोई भी स्वर मैंने बताया था कि जो शुद्ध व्यंजन होता है मिलाएंगे तो यह है हर चिन्ह हट जाएगा, पूरा क्या कर गया था यह हट गया। तो जब किसी व्यंजन में कोई स्वर मिलाया जाता है, जब किसी व्यंजन में कोई स्वर मिलाया जाता है, व्यंजन में स्वर मिलाया जाता है तो उसका हर चिन्ह लुप्त हो जाता है। यहाँ लुप्त हो गया तो उसका हर चिन्ह लुप्त हो जाता है और वह स्वर युक्त या स्वर व्यंजन बन जाता है। तो यह जो व्यंजन है अपना स्वरयुक्त या स्वर अर्थात इसमें स्वर मिला हुआ है, उसमें मिलावट की गई है, किसकी स्वर की। तो ये चीज तो मैं उन्होंने वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो हम क्या पर बताएंगे मात्रा ज्ञान कि जो स्वर है सारे इनकी मात्राओं को आप कैसे लिखोगे, कैसे करोगे। तो ए की मात्रा कोई नहीं होती है, स्वर युक्त या स्वर व्यंजन क्या बना, ठीक है। और आ की मात्रा जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, खा, ख प्लस आ खा, घर प्लस छोटा ई घी, मात्रा याद है ना, घर प्लस बड़ा ई घी। अंग वगैरह को छोड़ दीजिए और आगे ले लीजिए आप, ठीक है। री की जोड़ेंगे हम, त प्लस री, त्री, ठीक है, एक शब्द है री। तो याद है इसको आधा लेंगे री ऐसे, ठीक है। इस प्रकार की मात्राएं आपको जोड़नी है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। इस प्रकार आपको इनकी मात्राएं जोड़नी है, किसी भी ऐसे भी वर्ण विच्छेद में जब आप वर्ण विन्यास करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, वो नई चीजें काम में आएगी, ठीक है ना। तो जो अब है हम क्या करेंगे, संयुक्त स्वर आपको बताया था वो हम करेंगे, वो आप लिख लीजिए एक बार, है ना, पूरा अच्छे से लिख लीजिए आप इनको। ये शुद्ध वर्ण होते हैं, बोली भाषा के सबसे छोटे से छोटे इकाई होते हैं। अब ये होते हैं, इनको पूरा बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, पूरा बनाने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं, किसकी सहायता लेते हैं, स्वरों की, ठीक है। तो ये जो किससे मिलकर बना है, बोल के देखिए, किसी भी चीज को आप बोल के देखिए, इसकी ध्वनि आ रही है, हमेशा ध्वनि पे ध्यान रखिए, ऐसी ध्वनि आई ना तो क बराबर हलंत कर, और ऐसी ध्वनि आई तो क बराबर क प्लस ए, इन दोनों वर्णों से मिलकर क्या बना है, लेकिन इसके टुकड़े नहीं हो सकते,
बोलेरो गा गा, समझ में आ गया? तो मैं आपको एक बात समझाती हूँ, ये जो है शुद्ध वर्ण जो है ये आपके बचपन के आप हो, आपके बचपन के आप हो। जब आप छोटे थे, एक साल के थे, जब आपको चलने के लिए किसी सहायता लेनी पड़ती थी, मम्मा की, पापा की, भैया की, जो भी घर में आपके दादा दादी नाना नानी, जो भी गाड़ी में होती थी जिसके सहारे हम चलते थे, आप क्या हम भी तो चलने थे ना, तो हम सब बचपन में थे। तो ये जो है मूल रूप जो शुद्ध है ये बचपन है इनका, इनको जो है ठीक है। फिर बताओ व्यंजन कितने होते हैं,